हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके ट्रेलर के अपडेट के बारे में और बात करेंगे एक और अपकमिंग एमसीयू की मूवी के ट्रेलर के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि स्पाइडरमैन अपकमिंग जो मूवी है उसमें काफी सारे सीक्रेट है और इस मूवी को काफी सीक्रेट तरीके से शूट करा गया है क्योंकि काफी सारे स्पॉयलर्स हैं, मूवी के रेफरेंसेस हैं और देन कुछ कैरेक्टर को एड ऑन भी करा है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसी के साथ देखते हुए इसका ट्रेलर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फैंस के लिए। तो अभी हाल ही में अपडेट ये आया है कि सभी सोनी पिक्चर्स के जितने भी अलग अलग कंट्रीज में पेज हैं, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, वो सब ने अपना ऊपर का बैनर यानी कि बॉटम और टाइटल वगैरह सब चीज़ चेंज कर दी है, सभी ने बैनर लगा दिया है। और ये तभी होता है जब सोनी कंपनी कुछ प्रमोट करता है या कोई भी कंपनी कुछ प्रमोट करती है तो वो अपनी अपकमिंग मूवीज़ के टाइटल लगा देती है। ऐसे ही शैंग जी के साथ हुआ था, उनका भी ट्विटर पेज पहले ही अपडेट कर दिया गया था। तो यानी कि इसका मतलब स्पाइडरमैन का ट्रेलर कमिंग सून में है, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करी जाए तो आज के दिन या कल तक के दिन आपको द इंटरनल्स मूवी की न्यू फुटेज देखने को मिल सकती है डिज्नी की तरफ से ऑफिशियली। अब वो कब रिलीज होगी, किस टाइम पर रिलीज होगी, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। और देन वेट करिए, इस या नेक्स्ट मंथ में आपको दोनों ही ट्रेलर धमाकेदार देखने को मिलेंगे, पर इंटरनल्स का आपको कल परसों तक देखने को मिल सकता है न्यू फुटेज के साथ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।